दोस्तों आज है हमारी नागिन हीना खान का हैप्पी वाला बर्थडे। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हीना खान ने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आपका स्वागत करती हूं बिग हेडलाइंस में। दोस्तों अगर हम बात करें हीना खान के बारे में तो हीना खान को हमने सिर्फ दो ही सीरियल्स में देखा है, लेकिन हीना खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि आज वो टेलीविजन की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक है। हीना खान ने अपनी करियर की जो शुरुआत है वो ये रिश्ता क्या कहलाता है शो से की थी। लगभग 8 साल इस शो में काम करने के बाद हीना खान ने इस शो को टाटा बाय बाय बोला था। ऐसे में हीना खान फिर नजर आई एकता कपूर के मोस्ट पॉपुलर शो यानी कि कसौटी जिंदगी के सीजन 2 में कोमोलिका के किरदार में। फिर हीना खान ने एंट्री मारी बॉलीवुड में। हैक जैसी बड़ी फिल्म में काम करने के बाद हीना फिर से छोटे पर्दे पर वापसी की, यानी कि हम बात कर रहे हैं नागिन 5 की। नागिन 5 में हीना खान ने जो जलवे बिखेरे उसके बाद से हीना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारे नागिन के किरदार में नजर आती हैं। वेल दोस्तों हीना खान यही नहीं रुकी, बिग बॉस के सीजन 11 में हीना खान ने ऑडियंस का दिल बहुत ही बखूबी जीता, जिसके बाद हीना खान की फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज हो गई और अब बिग बॉस सीजन 14 के लिए हीना खान जो है बहुत अहम किरदार निभा रही हैं। आज हीना खान का 33rd बर्थडे है, यानी कि आज हीना खान 33 साल की हो गई हैं। इसी के साथ साथ हीना अपना बर्थडे अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और अपने बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। तो दोस्तों हमारी पूरी टीम की तरफ से हीना खान को विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अगर आप भी बेस्ट विशेष देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके दे सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।